ये बात तो आप लोग जानती हो कि बॉलीवुड के मिस्टर हैंडसम हंक यानी कि ऋतिक रोशन और बॉलीवुड के छोटे नवाब यानी कि सैफ अली खान की रीमेक फिल्म विक्रम वेदा को सिनेमा घरों में रिलीज हुए 3 दिन हो चुके हैं, यानी कि आज इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर चौथा दिन है और फाइनली इस फिल्म ने अपना पहला वीकेंड कल कंप्लीट कर लिया है। तो भैया इस फिल्म को पहले वीकेंड में यानी कि भैया 3 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कितने का कलेक्शन मिला है और क्या इस कलेक्शन को देखने के बाद हम इस फिल्म को लेकर ये बात कह पाएंगे कि भैया ये फिल्म अपना बजट निकालते हुए खुद के लिए सुपर डुपर हिट फिल्म होने का तमगा हासिल कर पाएगी। तो चलिए देरी नहीं करते और आपको बताते हैं कि भैया इस फिल्म को पहले वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर अब तक कितने की कमाई हुई है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, जैसा हमें पहले से ही उम्मीद था कि भाई ये फिल्म यानी कि विक्रम वेदा खुद के साथ भैया एक रीमेक फिल्म का तमगा लेकर आई है, तो भाई इस फिल्म को भैया रीमेक फिल्म होने की वजह से वैसा सपोर्ट नहीं मिल पाएगा जैसा कि भैया आज से कुछ साल पहले तक रीमेक फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर मिलता था। यानी कि भाई इस फिल्म को लेकर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भैया ये फिल्म शायद ही अपना बजट बॉक्स ऑफिस पर निकाल पाए। यानी कि भैया इस फिल्म को पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन मिला था प्रोड्यूसर फिगर के हिसाब से वो आंकड़ा था 10 करोड़ 58 लाख रुपीज़ का। उसके बाद इस फिल्म को दूसरे दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था प्रोड्यूसर फिगर के हिसाब से वो आंकड़ा था 12 करोड़ 51 लाख रुपीज़ का। और उसके बाद तीसरे दिन इस फिल्म को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला है यानी कि भैया पहले वीकेंड के आखिरी दिन यानी कि भैया संडे को वो आंकड़ा है 14 करोड़ 50 लाख रुपीज़ का। और इस तरह से इस फिल्म ने पहले वीकेंड में जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया है वो आंकड़ा है 37 करोड़ 59 लाख रुपीज़ का। यानी कि भैया ये फिल्म अपने बजट से अभी काफ़ी पीछे है मेरे भाई। यानी कि भाई फेस्टिवल सीजन में रिलीज होने के बावजूद भी ये फिल्म पहले वीकेंड में 50 करोड़ का आंकड़ा नहीं छू पाई मेरे भाई। यानी भैया इस कलेक्शन को देखने के बाद अब ये बात इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के मेकरों को समझ लेनी चाहिए कि भैया अगर अब आप किसी भी फिल्म का रिमेक बनाकर सिनेमाघरों में ला हुए तो भैया उस फिल्म को ऑडियंस का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। यानी कि भाई ये फिल्म अब अघोषित रूप से घोषित की जा चुकी है कि फ्लॉप साबित हो रही है बॉक्स ऑफिस पर। वैसे आप अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि भैया इस फिल्म को इन 3 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह का कलेक्शन मिला है उसका कारण यही है ना कि भैया ये फिल्म खुद के साथ रीमेक फिल्म का तमगा लेकर आई थी। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।